गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। अब चलिए लेसन 13, पार्ट 13, उसका 3 नंबर रिसर्च। पहला था अनुस्वर, सेकंड में था अनुनासिक और अब तीसरा है क्या विसर्ग। इसमें क्या आता है, किसको हम लोग विसर्ग किसको बोलते हैं, ये जो लास्ट का अ लिखते हैं उसमें लास्ट का जो ये अ आता है इसको विसर्ग बोलते हैं। ये जो दो डॉट्स पढ़ते हैं इसी को क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो यह कोई भी वर्ड में लास्ट में यूज होता है, ना कि इससे कोई वर्ड्स शुरू नहीं होते हैं बल्कि यह लास्ट में यूज होता है। जैसे क में लिख सकते हैं इस तरह से क, तो क ह यूज होता है। इसका जो मुंह से उच्चारण होता है वो क्या होता है, ह लास्ट में क, या फिर म, म में लग जाएगा तो म होता है इसका उच्चारण। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग। ये कोई भी वर्ण में व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण में लगा के यूज किया जाता है वर्ड्स बनाने में। ओके, पहला है पेज नंबर लिखिए, पेज नंबर है 63 बुक में, आप लोग निकालिए 63। ऊपर में ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है 4 लाइन 5 लाइन में क, म और न, इसमें आप लोगों को ट्रेस करना है। ठीक है, पेंसिल घुमा लिया और इसको ट्रेस करना है। जिसके पास बुक्स नहीं है वो अपने नोटबुक में इसको लिखे। त में विसर्ग त, इसको क्या उच्चारण होगा त। उसके बाद है म में विसर्ग म, उसके बाद है न में विसर्ग लगा हुआ है इसका उच्चारण होगा न। ये अधिकतर ज्यादातर क्या होता है, लास्ट में यूज किया जाता है। शुरू में कोई भी वर्ड में यह नहीं लगा सकते, बीच में कोई भी वर्ड में नहीं लगा सकते। जब शब्द खत्म होता है उसके लास्ट में लगाया जाता है। जैसे इसमें पहला तीन वर्ड्स दिए, दो वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, प्रातः, प्रा प्लस त, क्या हो गया प्रातः, प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह। सुबह में हम करते हैं उसको प्रातः बोलते हैं ना, प्रातः 6 बजे 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं या उठ गए तो उसको प्रातः बोलते हैं। सुबह को ही प्रातः बोला जाता है। अगला है न प्लस म, ये क्या हो गया नमम, इसको क्या बोलेंगे नमम। नमम ओम नमः शिवाय शंकर जी के का मंत्र है जिसको हम लोग बोलने में बोलते हैं नमम, वही नमम। इसमें भी लास्ट में यह विसर्ग लगाया गया है, इसमें भी लास्ट में विसर्ग लगाया गया है, इसमें भी लास्ट में विसर्ग लगाया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें यह विसर्ग लगा के शब्द को पूरा किया जाता है। इसको आप लोग नोटबुक पे लिखिए।
उसके बाद है पुनः, प्रातःकाल मतलब समय, सुबह का समय। प्रातःकाल मीन्स सुबह का समय, ये लेसन का नाम है सुबह का समय। सुबह में लेसन में सुबह का जिक्र किया गया कि सुबह में क्या क्या करते हैं, इसमें दिख रहा है पिक्चर में क्या दिख रहा है, दो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ एक कैट भी है, बिल्ली भी है, और दो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह सुबह पढ़ाई कर रहे हैं। यानी सुबह सुबह पढ़ाई करने से क्या बोला जाता है कि जो भी हम लोग याद करते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी आता है और हमें जल्दी याद होता है और हमेशा के लिए याद रह जाता है।
इसलिए सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही फ्रेश होता है। हम लोग दिन लेके सो के उठते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, इसलिए सुबह के समय पढ़ाई करने पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा याद हो जाता है और हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है। इसलिए हमें सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए सभी को, ओके। चलिए, इसमें लिखा है प्रातः काल हो गई, प्रातः काल हो गई मतलब सुबह हो गई। सुनहरा सूरज निकल आया, सुनहरा सूरज निकल आया मतलब सूरज कौन से कलर का होता है, गोल्डन कलर का या पीला कलर का, किसी को बोल रहा है इसमें कि सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहकने लगी, फूल खिलने लगे। सुबह सुबह क्या होता है, जब सुबह होता है तो आप बाहर निकलोगे तो पता चलेगा पूरे बहुत चिड़िया की बहुत सारी आवाज आएगी ची 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 करने की। क्यों? क्योंकि चिड़िया जो होती है, चिड़िया जो भी पक्षी होता है वो जल्दी उठ जाता है और अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, तो वो सुबह सुबह उसकी आवाज ज्यादा आती है। तो चिड़िया चहकने लगी, फूल खिलने लगे, और क्या होता है फूल खिलने लगे मीन्स जैसे ही धूप पड़ता है थोड़ा सा भी सुबह होने के बाद जैसे ही धूप पड़ता है तो अधिकतर फूल जो है वो खिलने लगते हैं, खिल जाते हैं। सुगंधित हवा बहने लगी, सुगंधित मतलब फूल जब खिलेगी तो फूल की जो स्मेल है सुगंध है वो हवा में मिल जाती है, तो हवा में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, उसी को बोल रहा है सुगंधित हवा बहने लगी। अब मैं और भैया अपना पाठ याद करेंगे, मतलब ये लड़की बोल रही है, इसमें जो पिक्चर में दिख रहा है कि लड़की है एक लड़का है, तो लड़की बोल रही है कि मैं और भैया उसके जो भाई है वो पाठ याद करेंगे, मतलब जो उसका लेसन है वो याद करेंगे, क्योंकि सुबह में अभी मैंने बताया कि सुबह में पढ़ाई किया हुआ चीज जल्दी याद भी होता है और ज्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। फिर पाठ पुनः पुनः दोहराएंगे, पुनः पुनः इसमें लिखा हुआ है मतलब दोबारा दोबारा दोहराएंगे, यानी कोई भी चीज अगर हमको याद करना होता है, लर्न करना होता है, तो क्या होता है एक बार हम लोग रीड करते हैं उससे याद नहीं होता है, तो उसको बार 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 दोबारा दोहराना होता है, बार बार बोलना होता है, लर्न करना होता है, तभी हमें याद होता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि पाठ को जो लेसन है उसको पुनः दोहराएंगे, मतलब बार बार बोलेंगे। प्रातः काल हो गया, सुबह हो गया, ये लेसन खत्म हो गया। इस लेसन में क्या है कि सारे जो भी मात्राएं है वो सब सारे मात्रा यूज किया गया है, जैसे पहला है काल, काल में है वो आ की मात्रा है, फिर दूसरा है सुनहरा उसमें ऊ की मात्रा है, फिर सूरज उसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, फिर निकल, निकल में ई की मात्रा है, चिड़िया में भी ई की मात्रा है। तो इस ये जो लेसन है इसमें अ से लेकर अ यानी विसर्ग तक सारे जो भी मात्राएं हैं उन सब मात्राओं वाले शब्द इसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये लास्ट है मात्रा का, तो इसमें सारे मात्रा वाला ये पाठ है, इसको आप लोगों को दो या तीन बार रीड करना है और इसको पढ़ना है बार बार, ठीक है, तभी आपको हिंदी का जो वर्ड है कौन कैसे होता है, कौन सा वर्ड कैसे लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो आएगा आप लोगों को, ओके। चलो अभी इसका हार्ड वर्ड जो है शब्दार्थ वो लिखेंगे अपने अपने नोटबुक में। सुनहरा, उसके बाद सूरज, उसके बाद है चिड़िया, उसके बाद है फूल, पाठ,
हवा। सुनहरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन, गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। उसके बाद है सूरज, सूरज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सन, SUN, सन। फिर है चिड़िया, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। उसके बाद इंग्लिश में ग्लेशियर, इसको लिख लो आप लोग हिंदी की नोटबुक में।
पेज नंबर 65 अभ्यास क्वेश्चन आंसर है। आप लोग लिख लो क्वेश्चन आंसर सबको, जिसके पास यह बुक है टेक्स्ट बुक उसको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है ओके। और इसमें जो आंसर जगह दी हुई है उसी में लिखनी है, इससे बाहर नहीं करना है। और इसमें क्वेश्चन नहीं उतारना है, मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होते, इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख रही हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ उत्तर आंसर ही इसमें लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन भी ब्लैक बोर्ड पे डालती हूँ तो वो भी लिख लेते हैं और आंसर दोनों लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है इसलिए सिर्फ आंसर लिखने हैं ओके। ध्यान में रखना है कि सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। और जिसके पास ये बुक नहीं है वो क्वेश्चन आंसर दोनों अपने नोटबुक में, हिंदी की प्लेयर नोटबुक में लिखेंगे ओके। चलो पहला क्या है, कॉ नंबर, किसके आने से प्रातः काल हो जाता है, किसके आने से प्रातः काल हो जाता है। उत्तर क्या होगा, किसके आने से सुबह होती है, सूरज के आने से प्रातः काल हो जाती है। सूरज निकलता है तभी सुबह होती है, सूरज अगर ना निकले तो अंधेरा ही रहेगा तो फिर रात ही रहेगा, सुबह होगा ही नहीं। तो सुबह किसके आने से होता है, सूरज के निकलने से। सूरज के आने से प्रातःकाल काल हो जाती है। किसके आने से सुबह होती है, प्रातःकाल हो जाती है, सूरज के आने से। उसके बाद है ख नंबर, ख नंबर में क्या है, प्रातःकाल किसे कहते हैं, प्रातः काल किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि प्रातः काल किसे कहा जाता है, सुबह को। उत्तर सुबह को प्रातः काल कहते हैं। ये दो लिख लो आप लोग।
नोटबुक में जो लिख रहा है, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखेंगे, ओके? यहाँ पे दो नंबर का मैं लिख रही हूँ, लीजिए, प्रातः काल होने पे क्या क्या होता है, प्रातः काल यानी सुबह होने पे क्या क्या होता है वो बताना है। प्रातः काल होने पर क्या क्या होता है उत्तर, क्या क्या होता है सुबह होता है तो क्या क्या होता है सुबह में, चिड़िया चहकने लगती है और फूल खिल जाते हैं, प्रातःकाल होने पर चिड़िया लगती है
नंबर में है, इसका नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या करना है, इसमें जो विसर्ग लगा के शब्द को पूरा करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला है अत, उसके बाद कुन और फिर है प्राय। इन तीनों में क्या है, विसर्ग, विसर्ग लगाना है, जो अभी मैंने बताया था डॉट्स लगा के, डबल डॉट्स लगा के तब शब्द पूरे होंगे। इसको हम क्या उच्चारण करेंगे, अत, अत का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसको क्या बन गया ये, अतः। इसमें अगर विसर्ग लगा देंगे तो अतः हो गया। उसके बाद है पुन, पुन का कोई मतलब नहीं होता, कोई शब्द नहीं बनता, तो इसको इसमें विसर्ग लगाएंगे तो यह बन जाएगा पुनः, पुनः मीन दोबारा। फिर है प्राय, और इसमें भी ये लगाएंगे विसर्ग तो ये क्या बन जाएगा, प्रायः, और प्रायः मीन्स होता है अधिकतर, बोलते ना प्रायः ये काम हम ऐसे करते हैं, यानी प्रायः मतलब, फिर प्रायः मतलब, प्रायः मतलब अधिकतर, आमतौर पर ये होता है, प्रायः मीन्स आमतौर पर या अधिकतर। ये लिख लो आप लोग अपने बुक में, जिसके पास बुक है उसको बुक में लिखना है। यहाँ पे दो नंबर का जो है नीचे दिया हुआ है, ये दो, एक तो लिखा हुआ है, दो जो नीचे लिखा है खाली जगह दिया हुआ है, वहाँ पे ये दोनों आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलो आज का वीडियो यही तक था।